नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। कल यानी 1 अप्रैल को नवादा शहर में रामनवमी का जुलूस शोभा यात्रा जो कहिए का आयोजन होना है। यह आयोजन भक्ति भाव के साथ हो, उल्लासपूर्ण माहौल में हो, हंसी खुशी के बीच में हो, इसको लेकर समाज के सभी प्रबुद्धजन, सभी वर्ग के लोग लगे हुए हैं। यह आयोजन शानदार भी हो, भव्य भी हो, लेकिन शांतिपूर्ण भी हो। एक तरफ तो जो भी हर वर्ग के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, इस प्रयास में हैं ही कि भव्यता के साथ उल्लास के माहौल में हो, शांतिपूर्ण हो, व्यवस्थित तरीके से हो। दूसरी तरफ जिला प्रशासन के द्वारा भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो एक तो ये किया गया है कि जो जुलूस का रूट चार्ट तय किया गया है, DM और SP के द्वारा एक ज्वाइंट ऑर्डर जारी किया गया है, उसमें यह क्लियर किया गया है कि जो भी रूट चार्ट है जुलूस का, उसको 4 सेक्टर में बांटा गया है। और ये जो 4 सेक्टर में बांटा गया है, उसमें करीब 74 स्थानों को संवेदनशील और अति संवेदनशील के रूप में चिन्हित करके वहाँ दंडाधिकारी के नेतृत्व में और पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि बहुत सारे स्थान पर ड्रॉप गेट बनाए जा रहे हैं कि भाई जुलूस के दौरान भीड़ भाड़ में कोई उस टाइप का बड़ी गाड़ी, मालवाहक गाड़ी, बस वगैरह नहीं आ जाए कि जुलूस के में कोई डिस्टरबेंस हो। और तीसरा है कि एक पेट्रोलिंग वेट्रोलिंग भी मतलब पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया गया है। और DM और SP के द्वारा के नेतृत्व में आज शाम जो है सो शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। और एक तरह से मतलब DM SP के द्वारा उसके पहले समाहरणालय परिसर में जो भी पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी वगैरह प्रतिनियुक्त हुए हैं, उनको ब्रीफ भी किया गया कि कैसे आपको काम करना है। तो एक मतलब अच्छा माहौल में, खुशनुमा माहौल में प्रयास है जिला प्रशासन का भी और शहर के बुद्धिजीवियों का भी कि रामनवमी का जुलूस आयोजित हो और अच्छे तरीके से ये आयोजित हो। मतलब भगवान राम का जो एक आदर्श जिस रूप में माने जाते हैं, DM के द्वारा अपील भी किया गया था और रामनवमी के दिन शुभकामना भी लोगों को दी गई थी कि आप लोग जो है सो भगवान राम के आदर्शों के अनुरूप जो है सो इस पर्व त्यौहार को मनाएं, तो अच्छा है। और दूसरी ओर बहुत उत्साह है, शहर के विभिन्न हिस्सों में झंडा पताखा पूरी तरह लगाया गया है हर गली मोहल्ले में, तो लोगों में उत्साह तो है। अब इसी उत्साह के माहौल में रंग में भंग न पड़े, इसके लिए सब लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा और सब लोगों को थोड़ा सा कहीं न कहीं एक जो होता है कि नए समाज में शांति, भाईचारा, व्यवस्था और उत्साह और खुशी मनाने का जो एक तौर तरीका होता है, उस तौर तरीके में ही एक दायरे में, सीमित दायरे में है हम लोग ये इसको मनाएंगे और जुलूस को निकालेंगे। और एक और ये जो इस जुलूस के दौरान है कि बहुत सारे जगह पे जो है सो स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, चूँकि जुलूस निकलता है तो बहुत भीड़ होती है और लोगों को जरूरत जगह जगह ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं पानी का, खासकर पानी वगैरह का, तो बहुत सारे जगह पर पानी का प्याऊ का व्यवस्था किया गया है। निःशुल्क पानी का रहेगा, कहीं शरबत का रहेगा, कहीं जुलूस की अगवानी में आपको क्या बोलते हैं पुष्प वर्षा वगैरह का भी व्यवस्था होगा। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा खुशनुमा माहौल में रामनवमी जुलूस का आयोजन की तैयारी धार्मिक और सामाजिक संगठनों के द्वारा भी है और शांतिपूर्ण ये जुलूस संपन्न हो जाए, शोभा यात्रा संपन्न हो जाए, इसको लेकर प्रशासन भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन के द्वारा किया गया है। तो आज शाम में बता ही दी आपको कि DM SP के नेतृत्व में जो है सो शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। तो एक अपील हमारी भी नवादा लाइव की है नवादा शहर वासियों से कि पूरा उल्लास के साथ खुशनुमा माहौल में इस आयोजन को संपन्न कराएं, सब लोग इसमें भागीदार बने। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जैसे कुछ और रामनवमी से संबंधित जिला प्रशासन या किसी और संगठन के द्वारा कोई खबर आएगी तो हम आपके सामने लेकर आएंगे। एक अपील कर देते हैं कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। पांच आदमी आइए, पांच आदमी इधर रहिए, इस गाड़ी में आइए, सब गाड़ी साथ ही चलेगी, सब गाड़ी साथ ही चलेगी। हम लोग घूम रहे हैं।
Yeah.